हे गाइस, वेलकम बैक टू टेस्टी एंड डिलीशियस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजाबी चिकन ग्रेवी, जो आपको देख ही के लग रहा होगा कि कितना ज़्यादा टेस्टी है। और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है और बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो चलिए हम इसे फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसे क्लिक करना ना भूलें, जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आप उसे देख पाएंगे। और ये सब बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 kg चिकन के पीसेस। सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। इसके लिए इसमें डाल देंगे हम 1/2 कप दही, जिसे मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, आप इसकी जगह देगी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1/2 छोटा चम्मच ऐड करेंगे इसमें हम सॉल्ट। और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे कम से कम 1/2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसे 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। और इसके बाद हम इसका मसाला रेडी करेंगे। इसके लिए पैन में डालेंगे 2 बड़े चम्मच सूखी धनिया, 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे इसे मीडियम फ्लेम पर। और इसके बाद इसमें डाल देंगे 8 से 10 काली मिर्च और 4 से 5 सूखी लाल मिर्च, और इसे भी हम 2 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। और 2 मिनट बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसमें पानी डालकर हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसके बाद हम सेम पैन में लेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल और इसे गर्म होने देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हरी इलायची 4 से 5 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1/2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 2 तेज पत्ते, और 1/2 छोटा चम्मच इसमें डाल देंगे ज़ीरा, और इसे हम सौते करेंगे 10 सेकेंड के लिए। 10 सेकंड बाद हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है, और इसे मीडियम फ्लेम पर हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाते। ये देखिए प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गया है। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ अदरक 1 इंच का टुकड़ा, और 6 से 7 लहसुन, इसे भी मैंने काट लिया है रफली, और इसे डालकर हम कुक करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और अब हम गैस का जो फ्लेम है वो ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। इसके बाद हम इसे डाल देंगे मिक्सिंग जार में, और साथ ही में हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और इसका एक पेस्ट बना लेंगे और इसे हम साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैंने पतीले में लिया है 4 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, सरसों तेल मैंने लिया, आप किसी भी ऑयल में बना सकते हैं बट ये सरसों तेल में ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज अदरक लहसुन और मसालों का जो हमने एक पेस्ट बनाया था, उसे ऐड करके मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए इसे भूनते हुए, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं ब्राउन हो गया है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे धनिया और सूखी लाल मिर्च का जो हमने एक पेस्ट बनाया था, उसे ऐड कर देंगे। और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच भुना ज़ीरा पाउडर और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर के प्योरे, और इसे डालकर हम मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, और फिर से इसे मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले जो हैं वो तेल नहीं छोड़ देते। तो ये देखिए मसालों में से सारा जो ऑयल है वो सेपरेट हो गया है। तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मैरिनेटेड चिकन और इसे मिक्स करेंगे। और इसके बाद हम इसे फिर से तब तक कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक कि चिकन अच्छे से पक नहीं जाते और सारा ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं हो जाता, तब तक इसे हमें पकाना है, कवर कर दें। तो ये देखिए चिकन जो है वो अच्छे से पक गए हैं, टेंडर हो गए हैं, और सारा जो ऑयल है वो भी सरफेस पर आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से इसमें पानी ऐड करें। मैंने यहाँ पर इसमें 1/2 ग्लास पानी ऐड किया है, और साथ में डाल देंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और इसे मिक्स करेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद इसे कवर करके हम 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 3 से 4 मिनट हो गया,
और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, जिसे मैंने तवे पे हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया है। इससे इसका फ्लेवर जो है वो और इन्हेंस हो जाता है। इसे लास्ट में ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, और इसे मिक्स करने के बाद फिर से हम इसे कवर करके 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे। तो 3 से 4 मिनट हो गए, ये देखिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस पंजाबी चिकन करी बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही परफेक्ट बना है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे, तो आप भी इसे ट्राई करें, और अगर आप इसे ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। चिल्ड्रन बाय बाय, टेक केयर।